नमस्कार, मैं आरती यादव, आपकी अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जो स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग लिए हुए थे और अलाउटमेंट लेटर का काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे, आखिरकार उनका अलाउटमेंट लेटर है वो जारी कर दिया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ समस्या आ रही है कि उनका अलाउटमेंट लेटर है वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ जब आपका अलाउटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद की प्रोसेस क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको फैकल्टी संबंधित जो भी आएगी वो हमारे द्वारा बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ मिलती रहेगी। तो देखते हैं कैसे अपना, कुछ बच्चे सही से अपना अलाउटमेंट लेटर चेक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे चेक करोगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वापस सर्च करना UPSM फैकल्टी। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2022 डालोगे तो आपके सामने न्यू पेज खोल के यहाँ पर आएगा जिसमें लिखा होगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। इसी पर आपको क्लिक करनी है, ये वेबसाइट है, मेन वेबसाइट फैकल्टी की। इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये न्यू पेज खुल के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2022-23, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखो, इसको आपको कंप्यूटर साइट पर खोल के रखना है, कंप्यूटर साइट पर खोल के रखना है, यानी कि डेस्कटॉप साइट पर आपको खोल रखना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको सही तरीके से आपका दिखाई दे जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, लॉग इन कर देना है। क्या करना है, लॉग इन। जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू पेज खुल के आएगा। और न्यू पेज खुल के जैसे ही आएगा तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तो चलिए हम आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के दिखा देती हूँ, देखिए इनका आया या नहीं आया। और नहीं आया तो इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं आपका डाउनलोड हो रहा है और आगे की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ही आप वहाँ पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड और सिक्योरिटी आंसर भरोगे, वैसे ही आपके सामने एक न्यू पेज लॉगिन करोगे तो न्यू पेज खुल के आएगा, काउंसलिंग डैशबोर्ड। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं और देखते आया या नहीं आया हुआ है। तो देखिएगा, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो एक ऑप्शन आपको फर्स्ट काउंसलिंग का दिख रहा होगा, एक ऑप्शन आपको सेकेंड काउंसलिंग का दिख रहा है। यदि यहाँ पर आपका आया होगा तो आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। नीचे आपकी सीट अलॉट हुई आपको दिख जाएगी, लेकिन आ क्यों नहीं रहा। कुछ बच्चों का नहीं आया हुआ है जिनकी रैंक भी सही थी, उसका रीजन या तो ये हो सकता है कि जिन बच्चों ने अपग्रेड किया हुआ है उनको शायद पहले दे दिया जाए, इसके लिए आपका नहीं आया होगा। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वेबसाइट पर ज्यादा एकदम जैसे ही बच्चे बहुत ज्यादा ने पता चल जाता है तो बहुत सभी बच्चे चेक करने लगते हैं, तो ये वेबसाइट जो है फैकल्टी वाली ज्यादा लोड नहीं उठा पा रही है, तो वैसे ये वेबसाइट को ये बंद कर देते हैं। तो आप बंद नहीं कर देते बल्कि उसे थोड़ा काम है वो स्लो चलने लगता है उस पर। तो आप सभी लोग अपना चेक करते रहिएगा, आज शाम तक सभी के आ जाएंगे। कब आएंगे, तो आज शाम तक सभी के अलाउटमेंट लेटर है वो डाउनलोड हो जाएंगे, जिनकी रैंक सही है और उन्होंने कॉलेज ज्यादा से ज्यादा भरे हुए थे। और हो सकता है कि जिन बच्चों ने अपग्रेड किया उनको पहले ही लोग दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हम ये कोई क्लियर नहीं है, हम आपको बता रहे अपने अपने अनुभव से। और दूसरी बात, आज शाम तक सभी के आ जाएंगे, परेशान मत होइएगा और चेक करते रहें बार बार अपना, क्योंकि वेबसाइट जो है वो बहुत ज्यादा बिजी रहती है ये। दूसरी बात, आगे की प्रोसेस आपको क्या करनी है, तो आगे आपको यहाँ पर लिखा होगा सिक्योरिटी फीस जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में आपको क्या करना है, अपना एडमिशन करा, यानी कि इसी पेज पर आपको एक लिंक मिल जाएगी। जब आप 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा आपका। अभी आप देख लोगे कि आपको कौन सी सीट मिली हुई है, लेकिन जैसे ही आपको ये डाउनलोड करना है उसके बाद आपको जहाँ भी कॉलेज मिला हुआ है वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए जाना होगा। डाउनलोड आप अलॉटमेंट लेटर तभी कर पाएंगे जब आप वहाँ पर 5,150 रुपये जमा करेंगे ऑनलाइन। तो 5,150 रुपये जब आप जमा कर देंगे तो उसके बाद आपको कॉलेज में जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। कब जाना होगा ये उस पर लिखा हुआ होगा, नहीं तो जैसी डेट आएगी हम आपको बता देंगे और आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। अलाउटमेंट लेटर पर शायद ये टाइम दे दे, नहीं देंगे तो यहाँ पर वो दे देते हैं इसी वेबसाइट पर जहाँ से आप डाउनलोड करोगे, इसी जगह पर। तो जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे और आप अपना चेक करते रहिएगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज रखी है। डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेंगे
वो हमने आप वहाँ पर भेज रखे लिस्ट पूरी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट से तैयार करके रखिएगा, पता नहीं कल से ही बताओ परसों से ही एडमिशन के लिए आपको बुला लिया जाए, और ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 2-3 दिन या 4 दिन का टाइम दिया जाएगा हो सकता है। तो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करके रख लीजिएगा, स्टाम्प पेपर जो भी आपको बनाने हैं, या 10 रुपए का स्टाम्प पेपर बनेगा उसमें सब लिखा हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और गैप सर्टिफिकेट ये तहसील में जाके बनता है, स्टाम्प पेपर ये भी तहसील में जाके बनेगा, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रख लीजिएगा। और जैसे ही आए अपना 5,000 रुपये जमा करने के बाद अपना अलाउट में लेटर है वो डाउनलोड कर लें और एडमिशन के लिए जा सकते हो आप, जैसे यहाँ पर डेट कोई दिखाई जा रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।